सलाम साहब, होप कि सब बढ़िया ही होंगे। क्या इम्पोर्टेंट है, किसके बारे में? तो नहीं, कुछ कुछ सीन हो गया। थोड़ा सा मूड थोड़ा खराब हो गया भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए गाइस। तो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है भाई रोड से, क्योंकि भाई सांची ने फोन करके अचानक से बुला लिया और मैं शूट करना भूल गया। मैंने सोचा था भाई घर से व्लॉग शुरू करूंगा, बट भाई सांची का फोन आ गया, बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है भाई उसे, मुझे नहीं पता इससे क्या इम्पोर्टेंट काम है। तो भाई सांची का आ चुका था फोन कि भाई जल्दी आओ, मुझे आपसे बात करनी है, जल्दी आओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये वो, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी में थी, मेरे को नहीं पता वो क्यों जल्दी में थी। और भाई बैंस साइड कर लो आंटी जी। गाइस एक मिनट, बस 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 बस, हो गया हो गया। तो गाइस उसने अचानक से फ़ोन करके बोला कि भाई मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, काम है, तो जल्दी आ जाओ, मतलब इतनी जल्दी में थी, मेरे को नहीं पता क्या सीन है भाई क्या नहीं। तो मैं तैयार भी नहीं हूँ भाई, देख सकते हो भाई मैं ट्राउज़र में आया हूँ, तो तभी मैं शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि आज मैंने व्लॉग बनाना नहीं था, तो मैं ऐसे निकल पड़ा हूँ। मुझे नहीं पता क्या सीन होने वाला है, अगर कुछ होगा इंटरेस्टिंग सा या कुछ प्लान होगा उसका राइडिंग का तो भाई मैं डाल दूंगा व्लॉग में। मुझे नहीं पता आज का व्लॉग कैसा होने वाला है, क्योंकि मैं तो बस ऐसे कैमरा लगा के निकल गया हूँ। राइडर की पहचान होती है, राइडर कहीं पे भी बिना कैमरे के नहीं जाता है, मोटो व्लॉगर स्पेशली। फोन पे फोन कर रही है भाई, उसको मैंने बोल दिया 5 मिनट दे दे भाई, उसने 5 मिनट में 10 फोन कर दिए। इतनी गर्मी है भाई, मैंने बोला फोन पे बता दे क्या काम है भाई क्या हुआ, बोल भी नहीं रहे, कहती जल्दी आओ मुझे मिलना है, काम है मुझे। मैं चल लो भाई, आता हूँ भाई, क्या कर सकते हैं, मना तो कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच, आपने 70K कम्प्लीट करवा दिए, आई लव यू ऑल भाई। ओहो भाई क्या गर्म हवा लग रही है, ऑटो वाले भैया जाने दो। मैं तो पहुंच चुका हूँ सांची की गली में। सलाम साहब, सलाम साहब, कैसे हो तुम? होप कि सब बढ़िया ही होंगे। कैसे हो तुम? ठीक हो? अब बताओ इतना दिमाग तुमने क्यों खाया था, इतनी जल्दी में क्यों थी तुम? बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी थी तुम्हें? क्या इम्पोर्टेंट है, किसके बारे में? बाद में बताऊंगी ना, ये क्या बात हुई, बाद में बताऊंगी। मैं तुझे पता है मैं देख ट्राउजर में आया हूँ मैं, तो? इतनी जल्दी में तो? मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा पता नहीं कुछ कुछ सीन हो गया है, तो फिर तभी बुला रही है। सही बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है? कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा। अब क्या करना है बता दे, चलो चलो बोल रही है। खाना है देखो, तुम्हें को तूने मेरे को इसलिए बुलाया था कि तेरे को खाना था कुछ? अच्छा उधर करेंगे, देख पहले बता, सीरियस वाली बात तो नहीं, मतलब मुझे डरना चाहिए? डरना चाहिए? अब तो सही में डरा रही है। आज तो मेरे सब्सक्राइबर को हाय नहीं बोला। हाय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? होप कि सब बढ़िया ही होंगे। चल फिर चल, जल्दी चल। अगर तूने सांची सिर्फ वहाँ पे खाने के लिए मेरे को लेके जा रही होगी ना तू? यार खाने को होता मैं ऐसे क्यों बुलाती? अब रेस्टोरेंट में तुम्हें को लेके जा रही, वहाँ पे तो खाने पीने का ही सामान होगा। तुम मुझे पहले ये बता, रेस्टोरेंट में कौन सी इम्पोर्टेंट बात होती है? ओके चल ठीक है, चलते हैं। तो गाइस निकलते हैं फटाफट, सीधा आपको रेस्टोरेंट के अंदर ही मिलते हैं भाई। चल रहे हैं, रुक जा आस्था, जल्दी जल्दी क्या, इतनी इतनी तक इतनी जल्दी क्यों है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो गाइस पिछले 10 मिनट से बोले जा रही है जल्दी चलो जल्दी चलो, ये आ गया तेरा रेस्टोरेंट। कोल्ड ड्रिंक और सांची की कोल्ड ड्रिंक और हमारे लिए पास्ता। सांची क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है तो गाइस हेलमेट हमने यहाँ पे रख दिया भाई, अब मैं शूट कर रहा हूँ फोन से, और इसकी शक्ल देखना। अब जल्दी बता दे मेरे को क्या बात है, मुझे टेंशन हो रही है, दिमाग में वही घूमे जा रहा है। अच्छा पहले खाओ, मेरे को हलाल करने के चक्कर में तो नहीं है? खिलाएगी तो फिर हलाल करेगी, बता दे यार। खा तो लूंगा। तो यहाँ पे सोनिया आई है, क्या हो गया तेरे को, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बहुत कुछ। बता ना क्या बात क्या है। तो गाइस पिछले खाओ ना फिर। खा तो लूंगा मैं, बिना खाए भी सुन सकता हूँ बात। 1 घंटे से भाई हम बैठे हुए हैं, ये तो अभी 10-15 मिनट पहले आया है पास्ता, और तब से ना ये हंसे जा रही है, हंसे जा रही है, देखे जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कोई खुशखबरी है या कोई टेंशन लेने वाली बात है कि क्या बात है, कोई पंगा दोनों। गाइस इसकी आंखों में आज आपको अलग सी चमक दिखेगी। गाइस देख पास्ते में इतने प्यार से खा रही है ना कैमरे में, ऑफ कैमरा देखना इसको कभी खाते हो यार, ऐसे कैमरा
कैमरा तो तुझे पता है, वो वीडियो तो मैंने बनानी है, चाहे तू कुछ भी बोले कि मैंने अपलोड कर देना है यूट्यूब पे, चाहे वो अपलोड कर दे लाइक हो या ना हो, इतने सारे लोग हैं तभी शर्म आ रही है। तो गाइस सीन ये ना, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, उस वजह से ना इसको थोड़ी सी शर्म आ रही है। बट ऐसी कौन सी बात है जिसे तुझे बोलने के लिए इतनी शर्म आ रही है? पहले पूरी बात सुनना। ओके ठीक है, ठीक है, जो बोलना ठीक है, पक्का पक्का। तो वो बात ऐसी है, बात कैसी है? मैंने बोला ना बीच में। अच्छा ठीक है, नहीं बोलता नहीं बोलता। तो वो टाइम से मैं सोच रही थी कि बोलूं, पहले मुझे लगा कि आप बोल दोगे बट आपने बोला नहीं, तो अब सोचा कि मुझे ही बोल देना चाहिए क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। ओके, बाइक चलानी है यार, मैंने बोलना ना। अच्छा करो यार, लास्ट टाइम भी आप प्रपोज करने वाले थे बट आप मजाक वाले रूम में ले गए थे उसको। लास्ट टाइम कौन सा? अच्छा वो मैंने मजाक में लिया था, मैंने उस बात को इग्नोर मार दिया था। ओके okay, तो कंटिन्यू रहे। मैंने सोचा आदमी को बोल देना चाहिए कि मैं क्या फील करती हूँ, अब आपका पता नहीं बट बहुत टाइम से मैंने सोचा अच्छे दोस्त हैं आप, मेरे क्लोज फ्रेंड हो, इतना ज़्यादा क्लोज मेरा कोई भी नहीं है। तो बजे रहे हो, मैं सोच रही थी कि आज स्टेप ले लेना चाहिए इस चीज का। अब आपके अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग है मुझे नहीं पता। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, सीरियस हूं ना मैं। ओके अच्छा ठीक, अच्छा भाई ओके ओके, मुझे पसंद हो, अब आप क्या फील करते हो मुझे पता नहीं, बस पसंद तो मैं बहुत सारे लोगों को हूं, तेरी कौन सी पसंद है, तू किस पसंद के बारे में बात कर रही है? देख जो बोलना है क्लियर बोलना चाहिए। हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ओके हमारे बहुत क्लोज है। ओके तो ये सब मैंने आज ले लिया। ओके तो कौन सा स्टेप तूने ले लिया? तो क्या फोकस मार लेते मेरे को तेरे पे, बोल ना। तो क्या मेरे साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो? क्लियर बोलना क्लियर। तो मैंने सीधी बात ये है, आई लाइक यू सो मच, तो अब आपके तरफ से ध्यान से रहा मुझे। सीरियस है ना तू? मजाक चल रहा क्या? तुम्हें को इतना लाइक करती है, मैं समझ क्यों नहीं पाया? आपने समझना नहीं चाहा। अच्छा मैं वेट कर रहा था कि शायद तू समझ जाए। ठीक है, तू व्लॉग तो मेरे देखती है ना, तूने मेरे ब्लॉग में कमेंट तो देखे होंगे ना। डीएम कर रहे थे लोग, भाई थैंक यू सो मच भाई, जो इसको डीएम कर करके बोल रहे थे ना कि मानिक भाई आपको लाइक करते हैं या आप भी करते हो, उनको प्रपोज करो भाई, आपकी वजह से इसने मेरे को प्रपोज किया। उस दिन मैंने सीरियसली मैंने बोलना था बट मेरे को लगा कि शायद तुम्हारा कुछ अलग ही रिएक्शन आएगा, तो भाई इस बात को टाल देते हैं। बताओ फिर यार। क्या बताऊँ? मेरे अंदर खून है। यार देखो लाइक तो तुम्हें मैं भी करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब आंसर तो दो यार। देखो यार लाइक तो मैं भी तुम्हें करता हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं प्रपोज तुम्हें करने ही वाला था बट नहीं हो पाती हिम्मत मेरे में, एंड मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के लिए। बेटे फंस गए मेरे जाल में, प्रैंक है ये तो। क्या सही बोल दे? मम्मी कसम प्रैंक था, आप तो सीरियस हो गए हो। गाइस आपको मैंने की शक्ल दिखाऊं? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ मम्मी पापा की कसम तो नहीं है, प्रैंक किया। मम्मा पापा कसम प्रैंक था। अच्छा आप इतना प्रैंक करो मेरे पे, मैं एक भी ना करूं। मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुमने इतनी सही तरीके से एक्टिंग की ना अभी, कि मुझे लगा तुम सीरियस हो। सही में प्रैंक था, इसके सिवा और कोई प्रैंक नहीं कर सकती थी तुम। तुम्हें यही मिला, रिवेंज लेना था ना, तगड़ा चाहिए था कुछ। यार ये गलत है यार, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन अब तुम्हें शर्म नहीं है ऐसा प्रैंक करते हुए? यार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, पता तुम्हें बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कोई बात नहीं, ये तो मैं ब्लॉग डाल दूंगा कि तुमने जो मेरे साथ किया ना, ये मैं ब्लॉग डालूंगा, बट तुम ना अगले प्रैंक के लिए तैयार रहो, बिल्कुल लगेगा नहीं कि वो प्रैंक है, असली लगेगा। तुम
तुमने हिला डाला ना, हर्ट किया तुमने, ये प्रैंक नहीं होता है, ये तुमने मेरे से बदला लिया ना, बदला लिया ना। कोई नहीं गाइस, देख रहे हो सांची थुल्ली को। कोई नहीं गाइस, चलो फिर बच्ची कुची कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, चलते हैं गाइस। तू कोई और प्रैंक कर लेती ना, सही रहता यार, ये वाला प्रैंक तेरे को नहीं करना चाहिए था। बैठो फिर। तो गाइस बाहर तो आ चुके हैं, अब जा रहे हैं वापस, इसको घर छोड़ देता हूँ। अरे सॉरी किस चीज़ का, मजाक कर रहा था मैं भी यार, बुरा क्यों लगना है, पागल हो गया। थोड़ा सा मूड थोड़ा ख़राब हो गया भाई, क्योंकि ना मैं सही में उसकी बातों में खो गया हुआ था, मुझे सही में ऐसा लगा कि भाई वो सीरियस है। मुझे बीच में डाउट हो रहा था कि शायद ये प्रैंक तो नहीं कर रही, बट भाई जिस हिसाब से वो बोल रही थी लग नहीं रहा था मेरे को कि प्रैंक कर रही है वो। नेक्स्ट प्रैंक सांची के साथ बहुत ही खतरनाक करने वाला हूँ भाई मैं, बस अलग सा प्रैंक बताओ, यूनिक सा, जिससे भाई वो, और मैं भी ऐसी एक्टिंग करूँगा ना, मैंने सोच लिया ऐसी एक्टिंग करूँगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं सीरियस हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ। गाइस एक चीज़ और, थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने मेरे 70K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, ऐसे भाई को सपोर्ट करते रहो तो भाई 100K में ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और मुझे पता है वैसे शायद कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि भाई का दिल टूट गया यार, तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। मैं अगर प्रैंक कर सकता तो गाइस तो वो भी प्रैंक कर ही सकती है, उसके दिमाग में जैसा प्रैंक आया उसने वही किया, बट कोई बात नहीं। ओ भाई ऊपर व्यू देख रहे हो, सूरज देख रहे हो, सूरज तो दिख ही नहीं रहा वैसे, बादल दिख रहा है, बट क्या लग रहा है, उसने बेशक प्रैंक किया बट अपन 100K पे, समझ रहे हो ना। तो भाई समझदार का इशारा ही काफी है, भगवान ने चाहा तो 100K जल्दी हो जाएंगे भाई। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड कर रहा हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं।